अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, मैं अब गुड़ वाले चावल बना रही हूँ। मैंने दो गिलास चावल लिए हैं और उनको मैंने साफ करके भिगो दिया है। आधा घंटा पहले हम जब भी चावल बनाने लगते हैं तो आधा घंटा पहले इसको भिगो देते हैं। जब हमने गुड़ वाले चावल में हिसाब ये रखना होता है कि अगर हम एक गिलास चावल लेंगे तो फिर पौना गिलास यानी क्वार्टर गिलास हम गुड़ लेंगे। मेरे पास ये गुड़ है, इसमें मेवे वाला गुड़ मुझे हमने सर्दियों में मंगवाया था, कोई इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा था, यही मैं इसके चावलों के लिए इस्तेमाल करूँगी। और अब मैं डेढ़ गिलास चावल यानी डेढ़ गिलास मैं गुड़ ले लेती हूँ और तीन गिलास मैंने पानी डाल के इसमें इसको मेल्ट कर लेना है और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ये मैंने एक गिलास का डेढ़ गिलास पानी डाल रही हूँ, आपका जो हिसाब हो आप वैसे कर लें। अगर आपके बहुत ज़्यादा पुराने चावल हैं तो आप दो गिलास भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इतने ज़्यादा पुराने चावल नहीं हैं तो इसलिए मैं डेढ़ डेढ़ गिलास डालती हूँ। ये आम चावल हैं जो हम लोग जिससे पुलाव बनाते हैं वो। ये तीन गिलास हो गए और जब ये गर्म हो जाएगा मैं इसमें गुड़ मेल्ट कर लेती हूँ। मेल्ट करने के बाद जब शीरा बन जाएगा, यानी हमने इसको सिर्फ बॉयल ही करना, शीरा नहीं बनाना, तो जब ये बॉयल हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसी शक्ल इसकी बनेगी। इसको छान लिया, स्ट्रेन कर लिया है, जो इसको एक दो बॉयल आए और ये मेल्ट हो गया गुड़, तो मैंने इसको निकाल लिया। अब मैंने डेढ़ चम्मच बड़े वाला ऑयल लिया है, इसको गर्म कर लिया है। अब ये गर्म हो चुका है, इसमें मैं दो इलायचियाँ डाल दूँगी और फिर इसमें हमने जो गुड़ वाला लिए। बॉयल होने लग गया है तो अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। अब मैंने चावल डाल दिए हैं, इसको अब हम थोड़ी देर तेज़ आग पे पकने देंगे, फिर उसके बाद मीडियम आग कर देंगे, फिर 5 मिनट बाद फिर हम इस पे दम लगा देंगे। अभी मैं तेज़ आंच कर देती हूँ और थोड़ी देर लिड लगा देती हूँ ताकि ये थोड़ा सा पक दें चावल। मिनट्स हो गए पकते हुए, अब इसकी ऐसी कंडीशन है। अब इसको मीडियम आंच पे 5 मिनट्स मोर पकाऊंगे, फिर उसके बाद हम इसको दम लगा देते हैं। गुड़ हमारा गहरे रंग का था इसलिए ये गहरे रंग के चावल बनेंगे और एक लाइट कलर का जो गुड़ होता है उसमें फिर ये लाइट लाइट कलर के ग्रीनिश ग्रीनिश बनते हैं चावल, आज ये ब्राउनिश चावल बनेंगे। 3-4 मिनट हो गए इसको बनते हुए। अब हम क्या करेंगे, इतने ही पानी में इसको हम दम कर देंगे, इससे दम से जो चावल फूल भी जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ये पानी भी जो है इसका एडजस्ट हो जाएगा। और इसमें हम ड्राई दम देंगे, यानी जो कपड़ा मैं तेल ले रही हूँ वो ड्राई होगा, इसको मैंने वेट नहीं किया क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी पानी है। ठीक है जी, इसके ऊपर आपको भारी चीज़ दे दें और ये मैंने इसको ऐसे दम लगा दिया है, तो आप भी कोई चीज़ ऊपर भारी रख के तो दम लगा दें। और ये ड्राई है और क्योंकि इसके चावलों के अंदर पानी था इस वजह से मैंने ड्राई के साथ इसको दम लगाया है। ये हम तकरीबन 15 मिनट्स दम करेंगे, उसके बाद फिर हमें देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है चावलों की। 15 मिनट्स हो गए हैं, अब हम दम इसका खोल के देखते हैं। तो इसमें एक स्टेप में भूल गई थी, ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे बेहतरीन बन गए। एक स्टेप में भूल गई थी, इसमें जब हमने इलायची डाली थी ऑयल में उस वक्त साथ में हमने क्या डालना था, इसमें सौंफ डालने थे। अब जो है इस स्टेज पे आप आके इसको जो खुश्क मेवा डालना हो डाल के फिर इसको 4-5 मिनट्स के लिए दम मज़ीद दे सकते हैं। वैसे जो परफेक्ट बन गया है, मैं इसमें किशमिश डाल रही हूँ, तो आप क्या करेंगे इसको ऊपर नीचे करके 2 या 3 मिनट्स के लिए दम दे देंगे। तो मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ किस कदर खूबसूरत माशाल्लाह चावल बने हैं। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है, आप लोग भी बनाएं, कोई बहुत ज़्यादा इसमें बखेड़े नहीं हैं, कोई इधर उधर का काम नहीं है कि ये ऐसे करें भिगो कर रखें या बॉईल करें। कुछ लोग जो हैं वो पहले बॉईल करते हैं, गुड़ मिक्स करते हैं, फिर दर्दे की तरह उसको बनाते हैं, लेकिन ये सिंपल सा है। आप इसको बनाएं, ज़रूर ट्राई करें।
दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।